लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। महाशिवरात्रि पर्व पर सानपाड़ा के युवा नेता पांडुरंग आमले ने स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और बेलपत्र और दूध चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने आशुतोष भगवान शिव का दर्शन किया और मंगल की कामना की। देखिए इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के पर्व महाशिवरात्रि पर सानपाड़ा प्रभाग 76 के युवा नेता पांडुरंग आमले ने सेक्टर 2 के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने परिजनों के साथ उन्होंने वेद मंत्रों के बीच शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर सैकड़ों शिव भक्तों ने भी अपने भगवान को बेलपत्र और जल चढ़ाकर मंगल की कामना की। युवा नेता पांडुरंग आमले के योगदान से बने इस मंदिर में पूरी रात भर भजन कीर्तन और ओम नमः शिवाय की धुन गुंजायमान रही। इस अवसर पर प्रभाग 76 के भावी बीजेपी प्रत्याशी युवा नेता पांडुरंग आमले ने शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामना देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुन। महाशिवरात्रि निमित्त सर्व सानपाड़ा वासियांना हार्दिक शुभेच्छा। 2014 पासून मानव कल्याण सेवा संस्था ही महाशिवरात्रीचा हा जो कार्यक्रम आहे अति उत्साहात दरवर्षी करत असतात आणि यावर्षी त्याची पर्वणी सर्वांना बघायला भेटत आहे। मानव कल्याण सेवा संस्थाचे सर्वच कमिटी मेंबर अक्षरशः मनापासून आणि जीवतोडून इथे काम करत असतात। यावर्षी त्यांनी आम्हाला एक संधी दिली, आम्हाला सेवेचा एक मार्ग आम्हाला उपलब्ध करून दिला। यहां सेक्टर 2 के मंदिर में महाप्रसाद समेत कई इंतजाम खुद युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा कराए गए थे। इसके लिए स्थानीय नागरिकों ने पांडुरंग आमले के लोकसेवी कार्यों की सराहना की। नागरिकों ने क्या कुछ कहा वह भी सुन लीजिए। आणि या मंदिराच्या वतीने आमची जी कमिटी आहे ते वेळोवेळी वेगवेगळे उपक्रम राबवते, त्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे रक्तदान शिबिर, जनरल मेडिकल कॅम्प, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अशा प्रकारचे उपक्रम राबवून आम्ही समाजामध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि आता या दिवशी कोरोनाचा विचार करून सोशल डिस्टन्सिंग पाळून मास्क वापरून लोकांना वेळोवेळी सूचना देऊन हा सकाळपासून कार्यक्रम कमिटीच्या वतीने आणि पब्लिकच्या सहकार्याने यशस्वी झाला, त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद मानतो। मी एक शिवभक्त आहे। आज या ठिकाणी मानव सेवा संस्थान यांच्या शिवमंदिराला भेट देण्याचा एक मला योग आला आणि मी या ठिकाणी आलो। मला असं कळलं की या ठिकाणी आमले साहेब आहेत जे इच्छुक आहेत, त्यांनी इकडची सगळी व्यवस्था केलेली आहे। या ठिकाणी ग्रील वगैरे बांधून दिलेले आहेत आणि या इथे जे सुंदरता दिसते आहे यामध्ये आमले साहेबांचा फार मोठा प्रचंड सिंहाचा वाटा आहे। मला अतिशय आनंद वाटला की एक सार्वजनिक व्यक्ती, एक राजकीय व्यक्ती जेव्हा एक धार्मिक कार्य करते तेव्हा मनापासून आनंद होतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।